गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोद्दार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करते हैं लिगेंड्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं हम लोग। लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम लोग कई बेसिस के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि जो लिगेंड है उनके ऊपर जो आवेश है उनके आधार पर वर्गीकरण। लिगेंड के बारे में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन युग में दाता का काम करती है, इलेक्ट्रॉन युग में देती है किसको, केंद्रीय धातु आयन को, और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती हैं। ये लुईस क्षार की तरह बिहेव करती हैं। कौन, लिगेंड, ठीक है। हम लोग लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन पहला पढ़ेंगे वह है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे जो लिगेंड है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वह है उदासीन लिगेंड, दूसरे जो है वह है ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरे जो है वो है धनावेशित लिगेंड, ठीक है। तो वे सारे के सारे लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता वो उदासीन लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ये सामान्यतः अपने लोन पेयर जो इन पे होता है उससे ये केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाने का काम करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस कैटेगरी में हम लोग लिख सकते हैं NH3, जिसको हम लोग लिखते हैं एमीन, H2O, हम लोग इसे जल पढ़ते हैं, बट लिगेंड के रूप में यह एक्वा बोला जाता है। पीरिडीन को हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। PH3, फॉस्फीन, PPH3, यह है ट्राई फेनिल फॉस्फीन। तीन फॉस्फीन है और यह क्या है, फॉस्फोरस, तो ट्राई फेनिल फॉस्फीन। R3P ट्राई एल्किल फॉस्फीन, ठीक है। CH3NH2 यह हो गया मेथिल एमीन। ऐसे और भी बहुत सारे लिगेंड हैं। ये लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर, इनके ऊपर जो लोन पेयर होता है उसके बेसिस से या उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक में देकर केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाते हैं। अगर हम लोग और लिखें एथिलीन डाई एमीन, जिसे हम लोग लिखते हैं EN के रूप में, एथिलीन डाई एमीन, ये सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो उदासीन लिगेंड हैं जो अपने लोन पेयर से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने का काम करते हैं। अगर अगला इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो किसका काम करते हैं, नेगेटिव या ऋणावेशित लिगेंड का काम करते हैं। जैसे हम लोग लिखें अक्स माइनस, सारे के सारे जो हैलोजन्स हैं जैसे FCl, Br और I, ये जो हैं वो लिगेंड के रूप में काम करते हैं। हम लोग इनको जनरली बोलते हैं हेलो, एक्स के लिए हेलो, अगर F होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, और I होगा तो आयोडो, या हम लोग इसको हेलिडो भी लिखते हैं, हेलो या हेलिडो इनको लिखा जाता है, ठीक है।
ओ एच माइनस हाइड्रोक्सो, एच माइनस हाइड्रिडो, सी ओ थ्री टू माइनस, एस ओ फोर टू माइनस, थ्री माइनस, कार्बोनेटो सल्फेटो फॉस्फेटो। ये लिगेंड जो हैं वो कैसे हैं, ऋणावेशित लिगेंड है, और बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं। ओ टू माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो, ओ टू टू माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सो, ओ टू माइनस, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्सो। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज है, इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, और इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हाफ चार्ज है। आप लोगों को जो नोट्स की पीडीएफ मिली है उनमें खूब सारे ऐसे लिगेंड हैं जिनके नाम, जिनकी स्ट्रक्चर और जिनके ऊपर के चार्ज को लिखा गया है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को आगे इन कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तब। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड इस कैटेगरी के एग्जाम्पल होंगे। धनावेशित लिगेंड बहुत ही कम होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हम लोग लिखें H प्लस, हम लोग लिखें Cl प्लस, हम लोग लिखें NO प्लस, हम लोग लिखें NO2 प्लस, ये कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। हाइड्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड जो है वो तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वह हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दंतुकता, यानी कि दंतुकता के आधार पर लिगेंड जो है उनका वर्गीकरण देखते हैं। क्या होती है दंतुकता? दंतुकता का मतलब है कि एक लिगेंड जो है वह केंद्रीय धातु आयन के साथ कितने बंध का निर्माण करता है। अगर वह एक बंध का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहेंगे एक दंतुक, अगर वह दो बंध का निर्माण करता है तो हम लोग उसे कहेंगे द्विदंतुक, अगर वह तीन त्रिदंतुक, चार चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक, ऐसे बोलते चले जाएंगे। तो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध बनाता है उसके आधार पर उनका जो वर्गीकरण है वो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला जो टाइप है वह है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, वे सारे के सारे लिगेंड इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बंध बनाते हैं। हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव, और हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। बस शर्त ये है इस बार कि वो कितने बंध बनाते हैं। अगर वो एक बना रहे हैं तो हम लोग उसे मोनोडेंटेट या एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे हम लोग लिखें ओ एच माइनस, पीरीडीन, एन एच थ्री, एच टू ओ, सी एच थ्री, एन एच टू ओ, मैथिलेमीन, हाइड्रोजीन, और भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों की पीडीएफ में ये सारे मिल जाएंगे जो एक बॉन्ड बनाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले के बारे में पढ़ा वैसे ही नीचे, द्विदंतुक लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बंध बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो दो बंध बनाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। एग्जाम्पल्स हम लोग इनके देखते हैं। हम लोगों ने लिखा सी एच टू
NH2, CH2, NH2, ठीक है। इसका नाम था एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे थे EL। यहाँ पे देखिए कि NH2 ग्रुप दो है और दोनों के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे हम लोग कहें कि दाता परमाणु, दाता परमाणु का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु के को दे रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म CMA को देकर उसके साथ दो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यह जो लिगेंड है उसके ऊपर आवेश जो है वो क्या है, जीरो है, EN। इसका अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग लिखते हैं ऑक्जेलेटो, ठीक है। आपने ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा होगा कभी, ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, यह है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों प्रोटॉन बाहर चले जाते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ इसको हम लोग लिख रहे हैं ऑक्जेलेटो, ठीक है, ओ अक्स 2-, क्योंकि इस पर कितने नेगेटिव चार्ज है, दो, यानी जो लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज कितना है, दो। दाता परमाणु कौन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें दाता परमाणु का काम कर रहे हैं। इसका अगला जो एग्जाम्पल है वह है ग्लाइसिनेटो, जिसे हम लोग GLY-1 भी लिखते हैं। देखिए कैसे, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल जो है उसका फॉर्मूला यह होता है, यह होता है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। अगर यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका OH हटा दिया जाए तो एक तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर बॉन्ड बना लेंगे और एक ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे दाता परमाणु एक तो हुआ कौन, नाइट्रोजन, और दूसरा दाता परमाणु कौन हुआ, ऑक्सीजन, और इस लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, -1। चार्ज भी आप लोगों को काउंट करके याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नोमेनक्लेचर के दौरान निकालेंगे तो वहाँ पे लिगेंड के चार्ज की हमें आवश्यकता होगी। ये कुछ एग्जांपल्स थे द्विदंतुक लिगेंड के, अगर इसके अलावा भी कोई होगा तो आप लोगों को उन नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो इस कैटेगरी का टाइप है वह है त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड। जैसे कि इसके नाम से आप लोगों को पता चलेगा कि वे सारे के सारे लिगेंड जो तीन बंध केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाएंगे त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा यह है एथिलीन डाइएमीन, जिसको हम लोग EN लिखते हैं। अगर यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसके साथ हम लोग ये ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये लिगेंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो तीन नाइट्रोजन हैं तीनों के ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये तीन बंध बनाता है और तीन दाता परमाणु है इसमें, कौन, तीनों के तीनों नाइट्रोजन है, और इसका ऊपर का जो चार्ज है वो जीरो है, या हम लोग कह सकते हैं कि यह उदासीन लिगेंड की कैटेगरी का एक एग्जांपल है। इसका नाम क्या हो गया, पहले वाले का नाम था एथिलीन डाइएमीन, इस बार एथिलीन कितने आ गए, दो, तो हम लोग इसको लिखेंगे डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ट्राई इन इसको लिखा जाता है, ठीक है।
अगर हम लोग बात करें इस कैटेगरी के एक और एग्जांपल की, तो हम लोग देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम लोग NH2 माइनस लिगेंड जो होता है उसको लिखते हैं इमिडो। क्या लिखते हैं? इमिडो। उसके साथ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसका नाम है O माइनस, ठीक है। इसको हम लोग एसीटेट बोलते हैं, ये लिगेंड के फॉर्म में जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एसीटेटो। तो इस लिगेंड का नाम हो गया इमिनो डाई एसीटेटो। हम लोग इमिनो बोलते हैं उस ग्रुप को, इमिनो डाई। ये तो है इमिनो ग्रुप और ये दो ग्रुप है एसीटेट, तो डाई एसीटेटो। अगर हम लोग इसमें दाता परमाणु की बात करें तो एक दाता परमाणु तो है नाइट्रोजन, एक दाता परमाणु ऑक्सीजन ये और एक ये, तो दो हो गए ऑक्सीजन। तो दाता परमाणु कौन कौन हो गए? नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन। और इसके ऊपर चार्ज की बात की जाए तो कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। वही बात, अगर कोई लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चार बंद बनाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड या टेट्राडेंटेट लिगेंड। हम लोग इन्हीं में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन नाइट्रोजन डोनर के रूप में थे। अगर हम लोग जैसे इसके साथ किया था वैसे इसका एक है एच हटाकर उसके साथ CH2 NH2 ये जोड़ देते हैं, तो इस बार देखो यहाँ पे एक दाता परमाणु नाइट्रोजन ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि कितने दाता परमाणु हो गए? और इसका नाम हो गया ट्राई एथिलीन टेट्रा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड का एक एग्जाम्पल है जिसमें जो लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चार बॉन्ड बनाता है। वैसे ही अगर एक चेंज इसमें भी करें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ एसीटेटो ग्रुप जोड़ रखा है, तो अगर हम लोग एक एसीटेटो ग्रुप और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस बार देखो एक दो तीन और चार दाता परमाणु इसमें हो गए, जिसमें से एक नाइट्रोजन और बाकी तीन क्या है? ऑक्सीजन। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी कितना हो गया? माइनस के तीन। तो इस लिगेंड का नाम होगा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो इस लिगेंड का नाम है। माइनस थ्री इसके ऊपर चार्ज है। यह एग्जाम्पल है किसका? टेट्राडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंचदंतुक लिगेंड के बारे में। पंचदंतुक लिगेंड, जैसा कि इनके नाम से इंडिकेट होता है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंद बनाएंगे कितने? पांच। देखिए आपके पास यह लिगेंड था जिसको हम लोगों ने लिखा एथिलीन डाई एमीन, यह था एथिलीन डाई एमीन। अगर हम लोग इसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है वो एसीटेटो ग्रुप के साथ कर देते हैं,
तीन हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। अब इस लिगेंड के साथ जो दाता परमाणु हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये दो ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दो तो नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु का काम कर रहे हैं और तीन ऑक्सीजन, तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? पांच। इसलिए यह है पंचदंतु के लिगेंड, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज देखते हैं, एक माइनस वन यहाँ, एक माइनस वन यहाँ और एक माइनस वन यहाँ, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस का तीन। नाम क्या है इसका? देखिए ये इतना नाम हो गया, एथिलीन डाई एमीन। एसीटेटो ग्रुप कितने हैं? तीन। तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। कितने एसीटेट हैं? तीन। तो ये हो गया ट्राई एसीटेटो। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी टी ए माइनस थ्री, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। यह है पंचदंतुक लिगेंड जिसपे माइनस थ्री चार्ज होता है और पांच इसमें दाता परमाणु होते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही लिखें षटदंतुक लिगेंड के बारे में, हेक्सा डेंटेट लिगेंड के बारे में, हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है वो अकेला ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ छः उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। देखिए हम लोग इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इसका जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था उसके साथ भी हम लोग एक एसीटेटो ग्रुप अगर जोड़ देते हैं तो ये बनता है एथिलीन डाई एमीन। इस बार क्या हो गया? टेट्रा एसीटेटो। और इसके साथ जो डोनर एटम है वो क्या हो गए? एक, दो, तीन और चार। चार तो हो गए ऑक्सीजन, एक और दो, दो हो गए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होगा वो काम करेगा किसके लिए? एक डोनर एटम के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे चार हो गए ऑक्सीजन और इस पे जो चार्ज हो गया वो हो गया माइनस के फोर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस के फोर। यह है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। हम लोग लिगेंड के क्लासिफिकेशन में अब तक एक और दो ये टाइप पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इन दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग निकालना सीखेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा ना केंद्रीय धातु परमाणु किसी कंपाउंड का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन अब तक पढ़ाया गया है उसको याद करना है। वो याद करने के बाद आपको ये और ये दोनों जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे और उसके बाद हम लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ा था, तो उसके लिए हमें उन लिगेंड के चार्ज के बारे में पता होना ज़रूरी होगा, इसलिए आपको वो सारे याद करने होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।